जिले में सिकल सेल और थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त मरीजों को हर माह रक्त की आवश्यकता रहती है। गंभीर मरीजों को माह में दो बार रक्त लगता है। अपनों की जान बचाने परिजन भटकते हैं और नहीं मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। इसे देखते हुए सिम्स के कर्मचारी अधिकारियों ने टीम बनाकर फैसला लिया कि सिकल सेल और थैलेसीमिया के मरीजों को निःशुल्क बिना ब्लड डोनेट ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। रक्तदान शिविरों से जमा किए गए रक्त का परीक्षण कराया गया। देखते ही देखते सिम्स ब्लड बैंक में इन बीमारियों से ग्रस्त 212 मरीजों ने पंजीयन करा लिया। सिम्स के चिकित्सा अधीक्षक इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र विशेष की एक बहुत ही कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथी है, विकार है। हीमोग्लोबिन जो आप जानते हैं रक्त कणिकाओं में होने वाला लाल रंग का पदार्थ है, उसके कारण सिकल सेल और थैलेसीमिया नाम की दो बीमारियां होती हैं। ये आनुवंशिक है। लोगों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार रक्त की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण इन्हें ज़रूर डोनर लाने अथवा अन्य संस्थान अन्य रक्त संग्रहण क्षेत्रों से लाने कहा जाता है। लेकिन मैं काफ़ी गंभीरता से कह सकता हूँ कि हम संस्थान में इन रोगियों को यथासंभव रक्त उपलब्ध करा रहे हैं और जब भी रक्त उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क होता है। हालांकि कई बार किसी ग्रुप के रक्त की सिम्स में काफी कमी हो जाती है। इसी दौरान सिकल सेल व थैलेसीमिया के मरीजों को उस ग्रुप का रक्त उपलब्ध कराने में सिम्स ब्लड बैंक को समस्या आती है। वहीं जब ब्लड की उपलब्धता होने पर खुद स्वास्थ्य कर्मी ऐसे मरीजों को फोन कर ब्लड उपलब्ध कराते हैं। सिम्स ब्लड बैंक के इस प्रयास से कईयों की जान बचा ली गई है। इस प्रयास की सराहना लाजमी है। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ राजा मनसागर, बिलासपुर।